अच्छा जी, लेट्स टेक अ स्टार्ट। क्वेश्चन 37 to 40, इसको कहते हैं समरी कॉम्प्लीशन विद अ बॉक्स, ठीक है। और दूसरे अल्फाज में इसको कहते हैं डबल द ट्रबल। एक होता है समरी कॉम्प्लीशन, जहां पे पैसेज में से वर्ड उठा के लिखते हैं। एक होता है समरी कॉम्प्लीशन, पैसेज में से वर्ड ढूंढने, फिर उस वर्ड को इस बॉक्स में से ढूंढने और इसको वहां पे आपने लगा देना है। ये सारे काम जो उन्होंने किए ना आइट्स का टेस्ट चेक करने में, ताकि उनको आसानी हो। वर्ड चेक करेंगे, एक एक वर्ड मुश्किल है, एबीसी भी चेक करना आसान है, कंप्यूटर में भी इनपुट करना आसान है। अच्छा, अब ये है समरी कॉम्प्लीशन विद द बॉक्स। यहां पे क्वेश्चंस और पैसेज एक ही ऑर्डर में होंगे, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा हूं। 37 to 40, कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स ए टू के बिलो। राइट द करेक्ट लेटर ए टू के इन बॉक्सेस 37 to 40 ऑन योर आंसर शीट। Suggestopedia uses a less direct method. यहां तक हमें समझ आ गई of suggestion than other techniques such as hypnosis. अब आगे आ गया full stop. अब hypnosis का word आप लोगों ने passage में locate करना है, उसके बाद जो अगला sentence होगा पहले उसको पढ़ लेते हैं। However, लोसनोव जो है ये नाम है, और जो भी प्रॉपर नाउन है ना, जो मुश्किल वर्ड्स हैं, साइंटिस्ट के नाम, प्रोसीजर्स के नाम, जैसे पढ़े जाते हैं पढ़ लें, उनको ठीक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लाउडली तो पढ़ नहीं रहे। अब ये पूरा नाम है ना लोसनोव, आप इसको लॉस पढ़ लें तो भी ठीक है, राइट। ओके, लोसनोव एडमिट्स दैट अ सर्टन अमाउंट ऑफ डैश इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू कन्विंस स्टूडेंट्स, कि किस चीज की सर्टन अमाउंट जरूरी है स्टूडेंट्स को कन्विंस करने के लिए। वापिस आइएगा, ये आंसर आपको मिलेगा सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। सब लोग सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे आए, ओके। और यहां पे आप आए फोर्थ लाइन पे। अब जरा फोर्थ लाइन पे दिया हुआ ना, सच रिचुअल्स मे बी सीन एज प्लेसिबोस। इस लाइन से पढ़े और मुझे बताएं आंसर क्या होगा। ओके, ट्राई अगेन, फोकस करें यहां से। सच रिचुअल्स, रिचुअल से पहले उसने क्या बोला है, हाइपनोसिस एक रिचुअल, ये हो गई, योगा, सिल्वा माइंड कंट्रोल, रिलीजियस सेरेमनीज एंड फेथ हीलिंग आर ऑल एसोसिएटेड, फॉलो कर रहे हैं ना, ये थर्ड लाइन पे हूं मैं, सेकंड लास्ट पैराग्राफ की, आर ऑल एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल सजेशन, ठीक है, बट नन ऑफ देयर टेक्निक्स सीम टू बी असेंशियल टू इट। सच रिचुअल्स मे बी सीन एज प्लेसिबोस, सच रिचुअल्स मे बी सीन एज प्लेसिबोस, आंसर यहां पे है, देखें क्या होगा। एग्जैक्टली आंसर होगा रिचुअल्स, F, right? So they say, however, Lozano admits that a certain amount of rituals is necessary in order to convince students. आप F लिखेंगे, ठीक है, rituals नहीं लिख। जब भी किसी चीज को वो label कर दे ना, तो आपने वो A B C D वाला follow करना है। Answer इसका हो जाएगा F, ठीक है। चलिए 38 भी करते हैं, come to 38. 38 में बोल रहे हैं, इवन इफ दिस इज जस्ट अ डैश, रिचुअल से आगे पढ़े आपको ये आंसर भी मिल जाएगा। इवन इफ दिस इज जस्ट अ डैश, सेम लाइन रिचुअल्स वाली, इवन इफ इट इज जस्ट अ डैश, हाँ, no, placebo, well done, why? आंसर सही मिल गया लेकिन रीजन नहीं मिला इनको, ओके, वेरी गुड, आंसर मिल गया लेकिन ये नहीं पता क्यों हुआ, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, यू आर राइट, rituals may be seen as placebo, so placebo is the right answer, और placebo कहां पे लिखा हुआ है, H, तो आप लिखेंगे कैपिटल एच एज द राइट आंसर, ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और, 39 पे आ जाए। ऑल्दो लोसानोव्स मेथड हैज बिकम क्वाइट डैश, ठीक है, लोसानोव्स मेथड हैज बिकम क्वाइट डैश, वापिस आए लास्ट पैराग्राफ पे आ जाए।
वाइल्ड सजेस्टोपीडिया, ये उसका मेथड का नाम है, ठीक है, मेथड क्या हुआ, हैज गेन्ड सम नोटोरिटी। अब नोटोरिटी के लिए वर्ड देखें क्या होगा, नोटोरिटी अनपॉपुलर, हाँ ओके, हैज गेन्ड सम नोटोरिटी, अपनी कहते हैं यू आर नोटोरियस, क्या बड़े मशहूर है, बदनाम है, ओके, सो नोटोरिटी के लिए क्या वर्ड है, हाय हाय, अनपॉपुलर कैसे हो सकता है, जो नोटोरियस होता है वो तो पॉपुलर होता है, पॉपुलर का वर्ड ढूंढे ना, वेल नोन, एग्जैक्टली, नोटोरिटी के लिए वर्ड आ गया वेल नोन, नोटोरियस का मतलब है मशहूर, नहीं कहते नोटोरियस गुंडा, बदनामे जमाना, ओके, ये है, सो दे यूज द वर्ड वेल नोन, सो के इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक हो गया, चलें, दैट्स इट।